हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों और तिब्बत आज़ाद छात्र संगठन की ओर से सीपीसी 100 के खिलाफ ग्लोबल सिटी मकलोडगंज में आज काला दिवस मनाया गया। दरअसल आज ही के दिन और 100 साल पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन अस्तित्व में आई थी, जिसे चीन अपने देश में ऐतिहासिक दिन और राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। मगर चीन के आतंक के खिलाफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन के इस सेलिब्रेशन की खिलाफत करते हुए इसे काला दिवस मनाते हैं। उनमें से निर्वासित तिब्बतियन भी एक हैं। दरअसल इन निर्वासित तिब्बतियों की माने तो चीन एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीन जो मानवाधिकारों की पैरवी करने का ढोंग रचता है वो महज दिखावा है। तिब्बत आज़ाद छात्र संगठन की राष्ट्रीय निदेशक रिंजिन ने बताया कि चीन की ओर से अवैध रूप से हथियाए गए देशों में तिब्बत समेत हांगकांग, तुर्किस्तान, सर्दन मंगोलिया और ताइवान चीन के दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए दुनिया भर में अपने अपने अंदाज में खिलाफत दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही एक महिला द्वारा तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोटला के बाहर एक वीडियो बनाई गई थी, जिसमें चीन द्वारा वहाँ की गई कई तरह की कारगुजारियाँ दिखाई गई थी, जिससे साफ जाहिर है कि मानवाधिकारों को लेकर चीन कितना सच बोलता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 19 साल की तेंजेन नीमा नाम की एक बौद्ध भिक्षु को भी जिस तरह टॉर्चर किया गया वो चीन की क्रूरता को बयां करता है। इतना ही नहीं, तिब्बत के एक राजनीतिक कैदी कुंचुम जिमा की चीन की जेलों में इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसने ये दुनिया ही छोड़ दी और समूची दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने चालाकी के साथ चाल चलते हुए ये दिखाया कि इस राजनीतिक कैदी की मौत हॉस्पिटल में हुई है, जहां ये पैरालाइज का शिकार हुआ था और उसी से इसका ब्रेन हैमरेज हुआ है। उन्होंने कहा कि भले ही चीन आज सीपीसी 100 को लेकर जश्न मना रहा हो, मगर तिब्बत के लोग हर साल इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी मनाएंगे। आज का दिन जो है ऐतिहासिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे देखा जाए तो चीन में अभी बहुत ही खुशी का माहौल जैसा चल रहा है, पर यहाँ पे जो तिब्बत है और बाकी जितने भी ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड कंट्रीज है जो चाइनीज़ के अंडर अभी भी सफ़र कर रहे हैं, इस तुर्किस्तान हो गया, सदर्न मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, ताइवान, हम सब में ये है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक तौर पे काला दिन को हम मानते हैं, एक मनुष्य दिन को मानते हैं। जब सीपीसी का ये संगठन हुआ था एक सदी पहले, 1 सेंचुरी बिफोर, तो आज का दिन जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है लोगों को बताना कि तिब्बत में क्या क्या हो रहा है, तिब्बत में मानवाधिकार का क्या सिचुएशन है और बाकी जो ऑक्यूपाइड कंट्रीज उसमें भी क्या हो रहा है। हाल ही में अगर आप देखोगे इसी साल में एक युवक, 19 वर्ष के युवक और भिक्षु तेंजिन निमा को बहुत ही बुरी तरीके से जेल में मारा गया। उसके बाद ही कुंचो जिम्बा जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको भी बड़ी बेरहमी तरीके से मारा गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में हमें पता चला कि उनको हॉस्पिटल में घोषित किया कि पैरालाइज से उनका ब्रेन हैमरेज हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन में तिब्बत, चीन के सरकार के द्वारा तिब्बती के ऊपर कितना मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है और कितना दबंग हो रहा है। और आप पहचान सकते हैं कि और महसूस भी कर सकते हैं, दो दिन पहले ही एक वीडियो आया था तिब्बत की तरफ से, एक तिब्बती औरत थी जिन्होंने वीडियो बनाया था पोतला के बाहर। अभी क्या स्थिति है तिब्बत के अंदर की चीन सरकार के द्वारा पूरे ही हथकंडे अपना रहे हैं कि दिखाने के लिए बाहरी देश को कि तिब्बत के अंदर मानवाधिकार है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी, सब खुश है। पर उस वीडियो से साफ तौर पर जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो साफ तौर पर कि ये एक चीन बना दिया गया है और एक पोताला को एकदम से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट के तौर पे ऐसे किया है, एक बड़ा प्रोजेक्शन किया था। तो आज का मैसेज यही क्लियर है, नथिंग टू सेलिब्रेट सीपीसी 100 ईयर्स, आज के हमारे लिए एक मनुष्य दिन ही मानते हैं।